Next theorem is prove that the order of an element in a subgroup is the same. Is the same as the order of the element regarded as the element of the group. Yes, students, here we have to prove order of element, any element in a subgroup is the same as the order of the element regarded as the element of the group. जो element हम subgroup का लेंगे, suppose A है, उसका order जो है वो G को भी belong करेगा. Order मतलब A का जो element है उसका ही order जो है group के element का होगा, same होगा. तो हाउ विल यू प्रूव दिस? प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नो डेफिनेशन क्या है? यू नो इफ ए बिलोंग्स टू एच, सपोज करो ए बिलोंग्स टू एच और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन. लेट मी प्रूव दिस इन दिस वे. कैसे? लेट, पूरा लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ अच्छे से. लेट ई बी द आइडेंटिटी ऐसे दिख रहा है ना, एलिमेंट ऑफ जी एंड एच है ना, सेम होते हैं ना, तो ले सकते हैं दोनों का सेम है आइडेंटिटी एलिमेंट, जी और एच का सेम है, तो वो ले लिया हमने ई है ना. और लेट सब क्वेश्चन में ऐसे होता है ए बिलोंग्स टू एच लेना पड़ेगा. इफ ए बिलोंग्स टू एच ये ले लिया हमने, लेट ए बिलोंग्स टू एच सच दैट, ये भी हम सपोज कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये ले लिया. समझ रहे हो आप? ये आपने सपोज करना है ए बिलोंग्स टू एच, और हमने इस क्वेश्चन इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट ए जो एच को बिलोंग करता है उसका बराबर होगा ऑर्डर किसके, जो ए जो है वो जी को बिलोंग करता है. ये प्रूव करना है हमने बच्चों, ये हम सपोज करने ए बिलोंग्स टू एच सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन. अगर ऐसा होता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन होता है तो क्या होता है? ए रेज टू पावर एन, ये है मतलब प्रूव कर चुके हैं आप ए थ्योरम पहले. तो ए रेज टू पावर एन जो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर है वो किसके बराबर हो जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड कोई भी ए रेज टू पावर एम ले लिया इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर किसके लिए? फॉर एवरी एम लेस देन एन, जितने भी मतलब ये नंबर एम से एन से छोटे होंगे उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बराबर नहीं है, नहीं होता है. ये पता है आपको, प्रूव कर चुके हैं, ये लिखना है. तो आल्सो यहां लिख लो व्हाट ए बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब क्या है? ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना. एंड सो ठीक हो गया ये. ये ए बिलोंग्स टू जी हो गया, पता है ना. And this, and so, A raised to power n, which is equal to E, belongs to G. मतलब E जो है वो किसको belong करता है? G को. तो ये यहां लिख लो. And so, A raised to power n is equal to E belongs to G. ये भी करेगा इसको. क्योंकि A raised to power n is equal to E है. E belongs to G. सुन रहे हो? तो इसका मतलब E किसके बराबर है? A raised to power n के बराबर है.
तो वो भी इसको जी को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, स्टूडेंट्स करेगा कि नहीं करेगा ना. तो इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, इस स्टेटमेंट से ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन और विच बिलोंग्स टू या किस में हुआ ये इन जी, ऐसे लिख दो. हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया. मैं फिर से आपको समझाती हूं अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है. इसमें क्या करते हैं बेटा, ऑर्डर जो है किसी एलिमेंट का जो मतलब सब ग्रुप में है वो ही उसी एलिमेंट का किस जी में भी होगा, ऑर्डर सेम होगा. तो हमने क्या कर लिया, ए बिलोंग्स टू एच और सच दैट ऑर्डर ऑफ ए एन है उस एलिमेंट का. तो अगर वो एन हो तो इरेस्पा एन इज इक्वल टू ई होता है, ये पता है. और ये स्टेटमेंट ही बोलती है कि जितने भी एम एन से छोटे होंगे उसके लिए इरेस्पा एम जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें. और बट ए जो है एच को बिलोंग कर रहा है, हम तो प्रूव करने जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऑर्डर जो है एक जी एलिमेंट ए का जो जी में बिलोंग करता वो भी बराबर है. तो इसलिए हम कर रहे हैं ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू जी एंड वी हैव दिस ई बिलोंग्स टू जी बट दिस ई इज इक्वल टू व्हाट, ए रेस पावर एन. तो देयरफॉर ए रेस पावर एन जो है इज इक्वल टू ई बिलोंग्स टू जी, हो गया ना स्टूडेंट. और यही से स्टेटमेंट आ गई ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन इन जी. तो हेंस प्रूव्ड कि ऑर्डर जो है किसी एलिमेंट जो सब ग्रुप में है उसी का ऑर्डर जो है उसी एलिमेंट का ग्रुप में मतलब क्या होगा, बराबर होगा. ये प्रूव्ड, इज इट क्लियर? ओके.